नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल मुहर्रम पर्व को लेकर कोतवाली में शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। बैतूल में मुहर्रम पर्व को लेकर कोतवाली थाने में कल दिनांक 12 अगस्त दिन गुरुवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुहर्रम की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही तहसीलदार द्वारा निर्देशित किया गया कि अखाड़ों पर प्रतिबंध है, विजय जुलूस पर भी प्रतिबंध है और ताजिए कम संख्या में ठंडा करने के लिए ले जाए जा सकते हैं। इसके पूर्व जितने भी त्यौहार मनाते आ रहे हैं, नियम के अनुसार उसी तरह मुहर्रम पर्व भी मनाया जाए। मीटिंग में दोनों अखाड़े के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ मस्जिद के बाबा ताजिया बनाने वाले लोग भी मौजूद रहे। बैतूल जिले भर के पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का कल था तीसरा दिन। बैतूल जिला मुख्यालय के तहसील कार्यालय के सामने बीती 10 तारीख से अपनी मांगों को लेकर जिले भर के पटवारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि प्रांतीय पदाधिकारियों ने राजस्व मंत्री से इस मामले की चर्चा की है, लेकिन चर्चा का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अगर आगे भी इसका कोई हल नहीं निकलता है तो वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और अनिश्चितकालीन कलमबद्ध हड़ताल जारी रखेंगे। प्रभातपट्टन सालवडी में अमृत महोत्सव मनाने को लेकर समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। प्रभातपट्टन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले और महाराष्ट्र के समीप सालवडी क्षेत्र में 75वां अमृत महोत्सव मनाने को लेकर कल 12 अगस्त दिन गुरुवार को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत सचिव, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी रही। साथ ही गांव में सीताराम बाबा प्राचीन धरोहर कारागार की वित्त चित्रों को लेकर भी समीक्षा की गई। वहीं ग्रामीणों ने अपने माध्यम से बताया कि प्राचीन धरोहर को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए लोगों से बातचीत की गई है। बैतूल चिचोली के आमापुर में युवती के अपहरण की सूचना पर चिचोली पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। परिजनों ने नाराज होकर पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। मामला चिचोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आमापुर गांव का है, जहां पर बिशनलाल चौहान की पुत्री ललिता चौहान 9 तारीख से लापता है। कुछ लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी लड़की को करीबन 10 बजे गांव के ही एक युवक के द्वारा उठाया गया है, जिसके बाद इसकी शिकायत परिजनों द्वारा चिचोली थाने में की गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई चिचोली पुलिस के द्वारा नहीं की गई। कार्रवाई नहीं होने के नाराज परिजनों ने कल बैतूल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से इस मामले की शिकायत की है। बैतूल वनकर्मी के अकाउंट से साइबर ठग ने 27,000 रुपए ठगे, थाने में शिकायत हुई दर्ज। मामला बैतूल के गंज के रहने वाले महेश खरे का है, जो कि फॉरेस्ट विभाग में डिप्टी रेंजर है और SBI शाखा में उनका अकाउंट है। रात को तकरीबन 10 बजे उनके पास एक फोन आया, जिसके बाद अकाउंट ट्रांसफर के माध्यम से 27,000 रुपए साइबर ठग के द्वारा उनसे ठग लिए गए। इसकी जानकारी वनकर्मियों ने सुबह तत्काल गंज थाने में पहुंचकर दर्ज कराई है और बताया कि उनके द्वारा किसी इंसान ने पंडित बनकर बात करी और अकाउंट में पैसा डालने के बाद रिटर्न उनके अकाउंट में पैसा डालने की बात कही थी, जिसके बाद रिटर्न लिंक पर क्लिक करते ही 27,000 रुपए कट गए, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत थाने में की है। बैतूल बेंगलोर निवासी युवक के इंटरनेशनल कार्ड से हुए 400 ट्रांजैक्शन। बैतूल साइबर सेल में 428 यूरो की ठगी की शिकायत हुई दर्ज। मामला बेंगलोर निवासी अमीश भारद्वाज का है, जो कि अपने रिश्तेदार के यहाँ बैतूल में आए हुए थे। कल सुबह उनके फोरेक्स इंटरनेशनल कार्ड से 4:56 से लेकर 8:50 तक 400 ट्रांजैक्शन हो चुके थे, जिसमें लगभग 428 यूरो का ट्रांजैक्शन हो गया था, जो कि भारतीय मुद्रा में तकरीबन 37,000 रुपये है, जिसके बाद उन्हें इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल पहुंचकर इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है। बैतूल सोनाघाटी फोरलेन पर छात्रों को कोचिंग देकर लौट रहे शिक्षक की कार ट्रक से भिड़ी, गंभीर हालत में शिक्षक अस्पताल में भर्ती। बैतूल मामला कल सुबह 8 बजे का है, जहां पर सोनाघाटी में छात्रों को निजी कोचिंग देकर लौट रहे सचिन मालवी नाम के युवा शिक्षक की कार अचानक ट्रक के पीछे जा भिड़ी, जिसके बाद ट्रक द्वारा कार को लगभग आधा किलोमीटर तक घसीटा गया। जानकारी लगने पर ट्रक ड्राइवर ने कार को रोका और कार को निकालने के लिए लोगों को फोन किया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल सचिन मालवी को निजी एम्बुलेंस की सहायता से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल सचिन मालवी का इलाज जारी है, लेकिन स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
मुल्ताई ग्राम बिजनूर में एक व्यक्ति को सांप ने काटा, जिला अस्पताल में किया गया रेफर। मुल्ताई विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिजनूर में गुरुवार को सुबह घर के सामने लेटे हुए एक व्यक्ति के पैर में सांप ने काट लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजनूर निवासी योगेश पिता गुलाबराव गायकवाड़ उम्र 41 वर्ष खाना खाने के बाद खेत जाने से पहले कुछ देर आराम करने के उद्देश्य से आंगन में दरी पर लेट गया था, जिसके कुछ देर बाद अचानक ही उसे पैर में सुई चुभने जैसा महसूस हुआ। जब उसने पलटकर देखा तो उसे सांप जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद तत्काल ही योगेश ने परिजनों को इस मामले की सूचना दी। आनंद फानन में परिजन उसे 11:30 बजे मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद योगेश को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मुल्ताई नागपुर रोड पर साप्ताहिक बाजार में स्थान खाली होने के बाद भी रोड पर लग रहा है बाजार, राहगीर हो रहे हैं परेशान। मुल्ताई के कुशाभाऊ ठाकरे भवन के आसपास संचालित साप्ताहिक बाजार में जगह खाली होने के बाद भी मुख्य मार्ग पर बाजार लग रहा है, जिसके चलते बार बार आवागमन अवरुद्ध होने के चलते राहगीरों को इन दिनों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मंजर गुरुवार को साप्ताहिक बाजार के दौरान देखने को मिला, जहां पर मुख्य मार्ग के दोनों तरफ बाजार लगा हुआ था, वहीं रोड पर लोगों का जमघट लगा हुआ था। मुख्य मार्ग से वार्ड के अंदर पहुंच मार्ग पर भी फुटकर व्यापारियों द्वारा दोनों तरफ दुकानें लगा ली गई है, जिसके चलते वार्डवासी अपने घरों तक पहुंचने के लिए परेशान होते नजर आए। भैंसदेई एसडीएम के बंगले के पास बिजली के पोल की विद्युत सप्लाई बंद रहने के कारण रहता था अंधेरा, की गई मरम्मत। भैंसदेई में एसडीएम के बंगले के पास बिजली के पोल की विद्युत सप्लाई बंद होने के कारण यहां पर अक्सर रात्रि के समय अंधेरा रहा करता था, जिसके बाद इसकी सूचना एसडीएम कैलाश चंद्र परते ने नगर परिषद सीएमओ को दी, जिसके बाद नगर परिषद सीएमओ ने तत्काल बिजली विभाग के कर्मचारियों को एसडीएम के बंगले के पास बिजली के पोल पे विद्युत सप्लाई सुधारने के लिए आदेशित किया, जिसके बाद विद्युत सप्लाई सुधारने का कार्य कराया गया। घोड़ा डोंगरी जनपद पंचायत में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने को लेकर बैठक हुई आयोजित। घोड़ा डोंगरी के जनपद पंचायत में गुरुवार की शाम तकरीबन 5 बजे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में जनपद पंचायत घोड़ा डोंगरी के सीईओ के अलावा सीएमओ जीआर देशमुख, भाजपा नेता राजेंद्र मालवी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आमला ऑल इंडिया दलित समाज ने 3 मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम आमला तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आमला के ऑल इंडिया दलित समाज ने 3 मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, नगर में रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार नीरज कालमे को ज्ञापन सौंपा। दलित समाज के विजय अतुलकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 अगस्त को आमला में ऑल इंडिया दलित समाज ने राष्ट्रपति के नाम आमला तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मंदिर निर्माण हेतु भूमि प्रदान करने जैसे 3 मांगों को रखा गया है। शाहपुर नगर में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 5 वाहनों पर शाहपुर पुलिस ने की चालानी कार्रवाई, ₹1750 का वसूला जुर्माना। शाहपुर में गुरुवार को यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस ने कार्रवाई का जुर्माना वसूला है। शाहपुर थाना प्रभारी शिव नारायण मुकाती ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले 5 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए ₹1750 का जुर्माना वसूल किया गया है। आमला बोरदई थाने में सत्य सनातन सेवा समिति ने बोदुड़ में मजार निर्माण और धर्म परिवर्तन कराने के विरोध में पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। आमला के बोरदई थाने में कल गुरुवार को सत्य सनातन सेवा समिति के सदस्यों ने बोदुड़ में मजार निर्माण और धर्म परिवर्तन कराने के विरोध में पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। सत्य सनातन सेवा समिति के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि कल बोरदई थाने में पहुंचकर सेवा समिति के सदस्यों द्वारा थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया है। आमला नर्मदापुरम संभाग के शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने आमला ब्लॉक के कई स्कूलों का किया आकस्मिक निरीक्षण।
आमला में नर्मदापुरम संभाग के शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने कल 12 अगस्त दिन गुरुवार को ब्लॉक के कई स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया है और यहां पर व्यवस्था देखी है। इस दौरान संयुक्त संचालक के आकस्मिक निरीक्षण से कुछ स्कूलों में हड़कंप की स्थिति भी देखी गई। नर्मदापुरम संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग के संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कल उनके द्वारा आमले के कई स्कूलों का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। चिचोली कोचा कच्चा पहाड़ी पर युवक के शव के मामले में चिचोली थाना पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 3 आरोपियों पर मामला हुआ दर्ज। चिचोली में विगत दिनों में मोतीपुर कोचा कच्चा पहाड़ी पर मिले युवक के शव और 21 जुलाई से लापता युवक की मौत की गुत्थी को चिचोली थाना पुलिस ने सुलझा लिया है। थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक शेख रहीम पिता शेख कासिम उम्र 25 साल मोतीपुर चिचोली दिनांक 21 जुलाई की रात अपने खेत से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके भाई शेख अली के द्वारा दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जुलाई को शेख रहीम की रास्ते में जाते वक्त करंट लगने से मौत हो गई थी। इस बात को छिपाने के लिए आरोपी राम सिंह दुर्बे और सुनील ने अपने कंधों पर शव को उठाकर कोचा कच्चा पहाड़ी की कुछ झाड़ियों में छिपा दिया था, जिसके बाद आरोपी राम सिंह दुर्बे उम्र 35 वर्ष सहित खेत मालिक और सुनील के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। चिचोली जयस्तंभ चौक पर चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति के साथ 4 लोगों ने की मारपीट। पीड़ित ने चिचोली थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। चिचोली नगर के जयस्तंभ चौक पर एक ग्रामीण पर चोरी का आरोप लगाकर 4 लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित ग्रामीण द्वारा चिचोली के थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी को मारपीट किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंप कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्रामीण सोहनलाल निवासी चिचोली बाजार में खरीदी करने के लिए आया था, जिसके बाद उसके द्वारा बैंक ऑफ इंडिया से 600 रुपये निकालकर खरीदी की जा रही थी। इसी दरमियान 4 लोगों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। आठनेर जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करने का अनोखा मामला आया सामने। आठनेर के राजस्व व्रत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धामन गांव के मंगल मूर्ति के साथ प्रधानमंत्री सम्मान निधि रिकॉर्ड में जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करने का अनोखा मामला घटित हुआ है। स्वयं किसान मंगल मूर्ति के द्वारा 12 अगस्त को दोपहर में मामले का वीडियो जारी करते हुए इस विषय के बारे में जानकारी दी गई है और पीड़ित द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रिकॉर्ड में जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया है, जिसके मामले में उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज की गई है। आठनेर वार्ड क्रमांक 9 में निर्माण कार्य में डस्ट के उपयोग पर पार्षद ने जताई नाराजगी। आठनेर के वार्ड क्रमांक 9 में भवन निर्माण कार्य के दौरान डस्ट का उपयोग करने पर नगर परिषद के पार्षद ने नाराजगी जाहिर करी है। मामले की जानकारी सुनीता धौलपुरी के द्वारा 12 अगस्त को 12:30 बजे मामले का वीडियो जारी करते हुए की गई और बताया गया कि निर्माण कार्य में ठेकेदार के द्वारा डस्ट का उपयोग किया जा रहा था, जिसको लेकर पार्षद के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही इस बात की जानकारी तकनीकी अमले को भी दे दी गई है, जिसके बाद तकनीकी अमले द्वारा संबंधित ठेकेदार को गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने के निर्देश भी जारी किए गए। मामले में परिषद की ओर से तकनीकी अमले के उपयंत्री अब मामले की जांच करेंगे। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।